एवरीवन। सो फाइनली द डे हैज़ कम। एक्चुअली एक प्लानिंग बहुत दिन से चल रहा था, लेकिन कभी हो रहा था, कभी नहीं हो रहा था, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा था। सो फाइनली टुडे इज़ 9th of October एंड वी आर लीविंग फॉर द क्वीन ऑफ हिल्स दार्जिलिंग। यस, सो अभी टाइम हो रहा है 3:13। 3 बजे तक निकलने का बात था एंड द टोटल डिस्टेंस इज 600 किलोमीटर्स। 600 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। सो लेट्स सी, द प्लानिंग इज़ टू गो टिल सिलीगुड़ी बिकॉज शाम तक पहुंच जाएंगे आराम से। उसके बाद जाके इंटायर नाइट रेस्ट करने का है। उसके बाद दी नेक्स्ट डे वी कैन लीव फॉर दार्जिलिंग। मेरा यूनिकॉर्न ये रहा, सोमतू का KTM। अभी अपना बर्दवान पहुंच गए हैं एंड इट्स 5:45। 4 घंटा हो गया है। सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 200 किलोमीटर्स। सो अभी और 400 किलोमीटर बचा हुआ है। नहीं, 400 से थोड़ा सा कम होना चाहिए। रास्ता का तो पूछिए मत। बर्दवान से जैसे बर्दवान में कुछ पैच पहले ख़राब आएगा, उसके बाद तो ये पैच, मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन। इतना गंदा रास्ता। देखो स्ट्रेट, आप गाड़ी चला ही नहीं पाओगे। बज रहा है 11:30, 11:32 एंड वी रीच्ड बलरामपुर फरक्का हाईवे। एग्जैक्टली 12 बज रहा है। एक्चुअली पूरा थक गए हैं। रीज़न बिहाइंड इतना गर्म है ना कि कैन नॉट टेल एनीथिंग। और उसके बाद वो बर्दवान से एक रास्ता होता है जो कि जाके मुरुग्राम तो एक रास्ता है जो कलकत्ता से आता है बर्दवान के वाया मुरुग्राम। दैट रास्ता इज़ पैथेटिक। वो तो पूरा रस निचोड़ लिया। सो अभी और लगभग 280 किलोमीटर्स बचा हुआ है, शोइंग 7 आवर्स। लेट्स सी, अगर हो सके तो ठीक है, नहीं तो कहीं रुक है 3 एंड लगभग 185 किलोमीटर अभी भी बचा हुआ है। सो ये जो एरिया है जो जंगल टाइप का दिख रहा है, दिस इज़ बेसिकली मैप में जो दिखा रहा है उसके हिसाब से दिस इज़ रानीगंज बर्ड सेंचुरी। सो दैट मीन्स अगर फोटोग्राफी के लिए टाइम होता देन दिस इज़ अ वेरी नाइस प्लेस टू सी। You cannot, मतलब NH12 में आप स्पीड ले ही नहीं पाओगे। आप मतलब जैसे ही आप 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 जाओगे तब तक एक बड़ा सा गड्ढा आ जाएगा एंड देन यू स्टार्ट अगेन। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जब भी आप सिलीगुड़ी जाते हो ना या फिर दार्जिलिंग जाते हो तो 2 रास्ता आता है। एक होता है बोतलबाड़ी बोलते हैं और एक होता है डालखोला, जो कि मैं ले रहा हूँ डालखोला। द रीज़न बिहाइंड मैंने भी यूट्यूब में भी देखा है और गूगल में भी सर्च किया, और आते वक्त मैंने एक ड्राइवर से पूछा तो उन्होंने भी सजेस्ट किया कि डोंट गो वाया बोतलबाड़ी बिकॉज द रूट इज़ नॉट सेफ। ठीक है, वहाँ पर छिनताई वगैरह होता है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो अभी हम लोग को बाइक चलाते हुए लगभग 12-14 घंटा हो गया है। ये देखो डालकोला का ये जैम है एंड दिस इज़ अनदर जैम, दिस इज़ डालकोला एंड दिस वन इज़ अ ब्रोकन रोड। पूर्णिया मोड़ जाएंगे ना? नहीं, हम लोग जा रहे हैं आपका सिलीगुड़ी जाना है। हाँ हाँ, तो ये रास्ता जाइए। हाँ, और आगे जाकर के जाइए 2-3 किलोमीटर जाइए, वहाँ से पूछिएगा। हाँ, पुलिया आएगा, लेफ्ट साइड। हाँ, इनको मालूम होगा, बताएंगे। वहाँ से जाकर के फिर रेलवे फाटक पे निकलेंगे। ओके सर, थैंक यू भैया। सो डालकोला का वो जो रास्ता है जो कि बहुत भीड़ है, ये वाला एक कच्चा रास्ता है। मैप पे दिख रहा है कि इससे जाओ और जाके डालकोला के आगे जाके मीट करेगा। हम लोगों ने एक लोकल वालों से पूछा एंड उन्होंने बोला एक शॉर्टकट है उसको लेने के लिए, ताकि डालकोला वाला जैम में ना फंसे। सो अभी वो शॉर्टकट लिए हैं। शॉर्टकट इज़, आई डोंट नो हाउ मच इट इज़ शॉर्टकट, बट इज़ हेड कट। पता नहीं क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय हेड कट? पागल हो रहा हूँ मैं तो, पता भी नहीं हो रहा रास्ता भाई। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कल रात को बहुत लेट हो गया बाइक चलाते चलाते, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग दार्जिलिंग तक जा नहीं पाए, सॉरी सिलीगुड़ी तक प्लान था, सिलीगुड़ी तक जा नहीं पाए क्योंकि सिलीगुड़ी लगभग 129 किलोमीटर और था। और जो रास्ता का हालत है मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, उसका इतना ज़्यादा गंदा हालत, इतना ख़राब रास्ता। लास्ट तक मैंने आप वीडियो जो शूट कर पाया था क्योंकि डे टाइम था, तो वो डालकोला तक, डालकोला में तो लगभग 4-5 किलोमीटर पीछे से भीड़ हो गया था। उसके बाद फिर कहाँ से रास्ता घूम फिर के हम लोग गए, और उसके बाद पहुँचते अभी हम लोग, मैं अभी फ़िलहाल इस्लामपुर में हूँ। यहाँ से लगभग 129 किलोमीटर से जो लगभग 4.5 घंटा लगेगा दार्जिलिंग को। एंड कोई और ऑप्शन नहीं रहा क्योंकि बहुत रात हो गया था, लगभग 9 बज रहा था तब। और उसके बाद और 129 किलोमीटर चलाना मतलब और 5 घंटा, दैट वुड बी रियली हेक्टिक। सो हम लोगों ने प्लान किया कि लेट्स स्टे आउट हियर ओनली। सो इस्लामपुर में हम लोग ओवरनाइट रह गए। अभी हम लोग निकलेंगे दार्जिलिंग के लिए। सो 4-5 घंटा अभी ठीक है, सो के उठ गए हैं, फ्रेशन अप हो गए हैं। लेकिन बस आपको इतना बोलना चाहूँगा कि रास्ता वॉज पैथेटिक। आई मीन नेशनल हाईवे 12, नेशनल हाईवे 34, इट वॉज पैथेटिक। मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो, लगभग एट ए स्ट्रेच ऑफ 100 किलोमीटर्स, 120 किलोमीटर्स, मतलब आपको रास्ता एकदम अच्छा नहीं मिलेगा। मतलब थोड़ा सा चलाओगे फिर ख़राब, थोड़ा सा चलाओगे फिर ख़राब, मतलब आप स्पीड टेक ऑफ कर ही नहीं कर पाओगे। जब तक आप स्पीड लोगे तब तक इतना बड़ा गड्ढा आ जाएगा कि आप ब्रेक मारते मारते गड्ढे पे चले जाओगे, इतना गंदा रास्ता। मैं तो अभी सोच के ही स्ट्रेस आता है कि वापस फिर यही रूट से जाना पड़ेगा, मतलब इतना ख़राब रास्ता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, यही एक्सपीरियंस है। मैं आपको अगर हो सके तो सिर्फ ख़राब रास्ता वाला वीडियो दिखा दूँगा, ज़रूरत पड़ेगा तो ठीक है, ताकि आपको आइडिया रहे। इतना गंदा रास्ता मैंने कभी नहीं देखा है, ठीक है। चलो चलते हैं, अभी आज हम लोग जाएंगे दार्जिलिंग की तरफ, उसके बाद फिर नया वीडियो शूट करेंगे। बाय बाय।